जिस बजट कैटेगरी में श्योर की MV88+ वीडियो किट आती है, उतना स्पेंड करते टाइम दिमाग में ये क्वेश्चन आना नॉर्मल है कि क्या मैं उसी बजट में एक प्रॉपर स्टूडियो माइक्रोफोन में इन्वेस्ट ना करूं? इसका रिव्यू थोड़े दिनों पहले किया था, ये वीडियो भी आप देख सकते हो। बट द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ इज, क्या ये किट जो है वो इस तरह के माइक्रोफोन्स को रिप्लेस करने के लिए बनी हुई है? द शॉर्ट आंसर इज नो। बॉक्स पे आप देख सकते हो, इट सेज प्रोफेशनल साउंड फॉर व्लॉगर्स, फिल्म मेकर्स, म्यूजिशियंस एंड पॉडकास्टर्स। बट इज इट गुड इनफ? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या ये किट आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है? होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं MV88+ किट को लेके आपको हो सके उतनी ज्यादा क्लैरिटी दे पाऊंगा, सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन फॉर योर सेल्फ। सो लेट्स बिगिन। आज मैं दूर हूं तुझसे, लेकिन बंद आंखों में है तू यही। अगर बात आती है स्मार्टफोन्स के लिए एक कंप्लीट ऑल इन वन रिकॉर्डिंग सॉल्यूशन के लिए जो कि पोर्टेबल भी हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन द क्वालिटी ऑफ द रिकॉर्डिंग, श्योर की MV88+ वीडियो किट अपने रिलीज होने के ऑलमोस्ट 2 साल बाद भी अपनी टॉप पोजीशन पे बरकरार है। नाउ प्रीमियम क्वालिटी ऑन योर स्मार्टफोन कम्स एट अ प्रीमियम प्राइस कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिशन विच इज आउट देयर इन द मार्केट। ये जो किट है वो बहुत सारे अलग अलग तरह के डिवाइसेस सपोर्ट करती है, बट स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए और आईपैड यूजर्स के लिए देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, इसलिए कनेक्टिविटी वाला जो सेक्शन है वो जरूर से देखिएगा। बात करते हैं इस माइक्रोफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, सो लेट्स सी कि आपको इस किट के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं। द बिल्ड क्वालिटी इन माय ओपिनियन इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। इट कम्स विद अ मैनफ्रोटो पिक्सी ट्राइपॉड। इसके अलावा जो फोन माउंट दिया हुआ है, जो क्लैंप दिया हुआ है आपके फोन को होल्ड करने के लिए, दोज आर रियली वेल बिल्ट। इसके अलावा ट्राइपॉड पे जो पुश बटन है जिसे दबा के आप अपना व्यूइंग एंगल जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। MV88+ किट के साथ आप श्योर की 2 एप्स हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं बोथ फॉर iOS एंड एंड्रॉयड, वो आप यूज कर सकते हो। एक है ऑडियो के लिए और एक है वीडियो के लिए। अपने माइक्रोफोन का गेन आप वहां से एडजस्ट कर सकते हो। आपका जो मॉनिटरिंग का जो लेवल है कि प्लेबैक का कितना आपको साउंड सुनाई देना चाहिए, आपकी खुद की आवाज़ आपको कितनी लाउड चाहिए। इसके बाद इस ऐप के थ्रू आप माइक्रोफोन की जो पोलर पैटर्न्स हैं वो भी चेंज कर सकते हो। सपोज़ मुझे अपने वोकल्स रिकॉर्ड करने हैं तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगा मोनो कार्डियोइड ऑप्शन। ये मैंने मोनो कार्डियोइड पोलर पैटर्न सिलेक्ट की हुई है। उसमें अगर मैं सेंटर से ज़रा भी डिविएट होता हूँ अपनी पोजिशन से तो आप देखोगे कि उतनी क्लियर आवाज़ कैप्चर नहीं करेगा। राइट नाउ आई एम ऑन द लेफ्ट एंड नाउ ऑन द राइट साइड। सेंटर पे वोकल्स क्लियर से रिकॉर्ड होंगे। सो व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग योर वोकल्स, यू आर डूइंग अ सोलो वॉइस ओवर थिंग, दिस इज द पोलर पैटर्न दैट यू हैव टू सिलेक्ट। फोन माउंट जो है वो आप अलग अलग ओरिएंटेशन में एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है तो मैं अपनी तरफ फेस करने के बजाय इस तरह से साइडवेज मैं इसको माउंट कर दूंगा। और ऐप के थ्रू मैं पोलर पैटर्न सिलेक्ट करूंगा मोनो बाईडायरेक्शनल का। मेरी आवाज़ यहाँ से रिकॉर्ड होगी, गेस्ट की आवाज़ सामने से रिकॉर्ड होगी, बाकी सब डायरेक्शन से जो आवाज़ है डिस्कार्ड कर दी जाएगी। तो अभी मैंने मोनो बाईडायरेक्शनल मोड ऑन किया हुआ है और मैं लेफ्ट हैंड साइड के माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ। नाउ आई विल टर्न टू द राइट हैंड साइड और आप देख सकते हो कि यहाँ से भी ऑडियो कैप्चर कर रहा है। और जब मैं सेंटर पे रख के बात कर रहा हूँ माइक को तो उतनी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होगी बिकॉज इट्स नॉट पिकिंग अप साउंड अदर देन द लेफ्ट एंड द राइट साइड। एक बार स्टीरियो फील्ड का डेमो देख लेते हैं। अभी 135 डिग्रीज पे है तो अगर मैं माइक मूव भी करूँ तो आप देखोगे कि एक स्टीरियो इफेक्ट आपको, अगर हेडफोन्स लगा के आप सुन रहे हो तो आपको महसूस होगा। 135 डिग्रीज पे इस तरह से ये माइक साउंड करता है। इफ आई नैरो द एंगल, लेट्स सी, द नैरोएस्ट इट गोज इज टू 60 डिग्री। और अब 60 डिग्री पे अब जब मैं माइक मूव करूंगा सो दिस इज हाउ इट साउंड्स लाइक। गिटार में अगर थोड़ा एंगल वाइड होगा इट मे साउंड अ बिट क्लीनर, अगर वोकल्स को आप मोनोकार्डियोइड पैटर्न पे रिकॉर्ड करते हो और गिटार के लिए आप स्टीरियो विड्थ बढ़ा के रखते हो और दोनों ट्रैक मिक्स करोगे तो शायद आपको क्लीन रिकॉर्डिंग रॉ टेक में ही मिल जाए। देन देयर आर सर्टेन इफेक्ट्स जैसे कि लिमिटर, कंप्रेसर, हाई पास फिल्टर। लिमिटर ऑन करता हूँ, कंप्रेसर अभी लाइट, ऑलरेडी इट वाज ऑन। इफ आई मेक इट हैवी
दिस इज़ हाउ इट साउंड्स लाइक। हाई पास फिल्टर 75, 150, दिस इज़ हाउ इट साउंड्स लाइक व्हेन इट्स ऑन 75, एंड दिस इज़ हाउ इट साउंड्स लाइक व्हेन इट्स 150। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो सी अगेन इट क्लिप्ड, एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग द वोकल्स इट्स गुड टू हैव दीज मीटर्स इन फ्रंट ऑफ अस, बिकॉज एज यू कैन सी ज़रा सा भी मैं डिविएट कर रहा हूँ तो मेरा हल्का सा डिविएशन भी यहाँ पे क्लिपिंग कॉज कर रहा है। देन यू गॉट द इक्वलाइजर, और इसमें ऐसा है कि 2-2 dB के इंक्रीमेंट में EQ अप्लाई होता है। लेट्स ट्राई एंड बूस्ट द फ्रीक्वेंसी अराउंड 1K 4K। आई लाइक टू कीप इट फ्लैट क्योंकि सारी इफेक्ट्स जो हैं मोस्टली पोस्ट में ही मैं अप्लाई करूँगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि जनरली जो बजट माइक्रोफोन्स आते हैं स्मार्टफोन के लिए उनमें देखने को नहीं मिलता, वो है डायरेक्ट मॉनिटरिंग। क्योंकि इस माइक के अंदर ही आपको एक हेडफोन का स्लॉट भी मिलता है, सो दैट आप अपने वोकल्स रिकॉर्ड करते वक्त या फिर कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते वक्त 0 latency पे आप अपनी वॉइस को मॉनिटर कर सकते हो। आप किसी थोड़े से भी एक्सपीरियंस म्यूजिशियन से पूछ लो या फिर ऐसे किसी भी इंसान से हु डज प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोफेशनल ऑडियो, वो आपको बताएंगे कि 0 latency मॉनिटरिंग का होना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एंटायर किट इज़ द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ये सारी जो इफेक्ट्स मैंने आपको बताई, लिमिटर हो, कंप्रेसर हो, EQ हो, जो भी चेंजेस आप अप्लाई कर रहे हो वो माइक्रोफोन के अंदर ही स्टोर्ड हैं। सो सपोज यू अप्लाई दीज चेंजेस, उसके बाद आप डिवाइस चेंज कर देते हो, आपके आईफोन से उसके बाद आप PC में यूज़ करने के लिए जाते हो, सो दो सेटिंग्स विल बी स्टोर्ड ऑन योर माइक्रोफोन इटसेल्फ। एंड इवन इन केस ऑफ डायरेक्ट मॉनिटरिंग, ये सारी इफेक्ट अप्लाई करने के बाद भी आपको 0 latency मॉनिटरिंग ही मिलेगी, विच इज़ अ ह्यूज डील। वो सारे लोग जिन्होंने घर पे कभी भी वोकल्स रिकॉर्ड करने का ट्राई किया है, हम जब DAW में अपने वोकल्स के ट्रैक पे इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं और डॉ के अंदर जो मॉनिटरिंग का ऑप्शन दिया होता है वो इनेबल करते हैं, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ी सी लेटेंसी आ जाती है, विच कैन बी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग एट टाइम्स। और ऑडियो इंटरफेस के सिनेरियो में हमें अगर विथ इफेक्ट्स 0 latency मॉनिटरिंग चाहिए, फॉर दैट वील हैव टू इन्वेस्ट इन अ मच मोर एक्सपेंसिव ऑडियो इंटरफेस। फॉर दोज हु आर नॉट फ्रॉम ऑडियो बैकग्राउंड और लिमिटर, कंप्रेसर, EQ, हाई पास फिल्टर इसका यूज़ करना नहीं जानते हैं, यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि कुछ बिल्ट इन प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि स्पीच के लिए एक अलग प्रीसेट है, सिंगिंग के लिए अलग प्रीसेट है। इसके अलावा देर इज अ प्रीसेट फॉर रिकॉर्डिंग सॉफ्ट अकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार, और लास्टली काफ़ी लाउड सोर्सेस रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से प्रीसेट दिया हुआ है, विच कैन बी यूजफुल इन अ सिनेरियो लाइक अ लाइव कॉन्सर्ट। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। सो दिस माइक्रोफोन इज डिजाइन टू वर्क विथ ऑल द डिवाइसेज, बेट iOS, एंड्रॉयड, PC और Mac। लेकिन अगर आप Android यूज़र हैं तो Shure ने अपनी वेबसाइट पे उसके साथ जो कंपैटिबल जितने भी डिवाइसेस हैं उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है, तो आप जाके एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि आपका फ़ोन वहाँ पे लिस्टेड है या नहीं, क्योंकि कई सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं वो उतना इनफ पावर सप्लाई नहीं कर पाते जो कि एक कंडेंसर माइक को रन करने के लिए चाहिए, और कई सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स ऑडियो ओवर USB सपोर्ट नहीं करते, और कुछ एप्लीकेशंस हैं स्पेसिफिकली ऑन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म जो कि एक्सटर्नल USB माइक्रोफोन सपोर्ट नहीं करती। तो अगर आपका फ़ोन उस लिस्ट में फीचर्ड नहीं है, देन चांसेस आर के सिर्फ ये वाला माइक्रोफोन ही नहीं, कोई भी और USB माइक्रोफोन आप अपने फ़ोन के साथ यूज़ शायद ना कर पाओ। इन दैट केस जितने भी 3.5 mm वाले जो भी माइक्रोफोन आते हैं एंड्रॉयड के लिए, दैट्स योर ओनली ऑप्शन। और जितने भी iPad यूज़र्स हैं, तो जिन iPad में लाइटनिंग पोर्ट है उसके साथ तो ये माइक्रोफोन चल जाएगा, लेकिन जो लेटेस्ट जनरेशन आई है जिसमें USB-C पोर्ट आया है, दैट विल नॉट बी सपोर्टेड बाय दिस माइक्रोफोन। क्योंकि जिस वक्त ये माइक्रोफोन लॉन्च हुआ था उस वक्त एप्पल सिर्फ लाइटनिंग पोर्ट ही प्रोवाइड कर रहा था अक्रॉस ऑल इट्स रेंज ऑफ iPhones एंड iPads। इस किट के साथ आपको 2 separate केबल्स मिलेंगे, एक USB-C टाइप और एक है लाइटनिंग केबल, तो डिपेंडिंग अपॉन वॉट यू यूज़ यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। PC के लिए कोई सेपरेट केबल नहीं आएगा इसमें, अगर आपका PC थोड़ा पुराना है और कन्वेंशनल USB पोर्ट उसमें यूज़ होता है तो यू कैन गेट अ सेपरेट केबल। दिस माइक्रोफोन वर्क्स वेल विथ PC एंड Mac। इफ़ यू आर नॉट इन टू वीडियो तो फिर ये पूरा किट लेने का कुछ मतलब नहीं है। अगर आप iOS पे हो तो MV88 Plus का ही छोटा भाई MV88 वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि डायरेक्ट मॉनिटरिंग का ऑप्शन उसमें नहीं मिलेगा, और वो सिर्फ iOS के लिए ही लिमिटेड है, मतलब आप अपने PC और Mac के साथ भी उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इफ़ यू आर ओके विद दैट कॉम्प्रोमाइज़ और सिर्फ माइक्रोफोन चाहिए तो गो फॉर MV88। और अगर वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, पोर्टेबिलिटी से भी कोई लेना देना नहीं है, आप अपने फ़ोन के ऊपर
वोकल्स रिकॉर्ड करना चाहते हो सिर्फ उसके लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा तब भी MV88 प्लस के बजाय श्योर की ही MV सीरीज है, उसके अंदर कुछ माइक्रोफोन्स हैं जो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, जो अगेन आप PC के साथ भी लगा सकते हो, एंड्रॉयड पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन लिमिटेशन वही हो जाएगी कि एंड्रॉयड के लिए आपको कंपैटिबिलिटी चेक करनी है कि आपका फ़ोन वो USB ऑडियो फीचर सपोर्ट करता है या नहीं। नाउ द रीज़न व्हाई आई डोंट recommend people use these kind of cheap adapters is because of something called MFI. MFI का full form made for iPhone, made for iPad, वो एक तरह का certification है जो कि Apple provide करता है third party manufacturers को। तो अगर आप कोई भी ऐसा component, कोई भी ऐसी accessory, external accessory use कर रहे हो जो कि MFI certified नहीं है, तो यू आर रनिंग अ रिस्क कि एप्पल कभी भी उसके लिए सपोर्ट बंद कर सकता है और आपका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट जाएगा। MV88 प्लस इज MFI सर्टिफाइड और यही बात टेस्ट करने के लिए मैंने अमेजोन से ये एसेसरी मंगाई और जोड़ते ही इसको अपने फ़ोन में मुझे मैसेज आ गया एसेसरी नॉट सपोर्टेड। सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग दैट मच अमाउंट ऑन माइक्रोफोन, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके डिवाइस के साथ वो कंपैटिबल है या नहीं। अब बात करते हैं म्यूजिशियंस की। एक तो वो म्यूजिशियंस जो कि ट्रैवल काफ़ी करते हैं, अपने फ़ोन में ही कोई म्यूज़िक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और अपने आइडियाज़ जैसे ही उनको दिमाग में आए उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, दिस किट विल हेल्प यू टू कैप्चर द आइडियाज़ इन बेस्ट पॉसिबल वे। मेरे ख्याल से अगर आप एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, इवन दो आज की जनरेशन के फ़ोन्स और टैबलेट्स भी काफ़ी पावरफुल हो गए हैं और काफ़ी सारे अच्छे म्यूज़िक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, बट आई स्टिल फील आपके पास एक फिक्स्ड परमानेंट प्रोफेशनल क्वालिटी का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सलाह यही है कि फर्स्ट कंसिडर दैट। लास्टली बात कर लेते हैं पॉडकास्टर्स के बारे में। अब अगर मुझे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने होते हैं जिसमें कोई गेस्ट इन्वॉल्व है, तो सबसे पोर्टेबल सॉल्यूशन जो मैं इससे पहले सोच सकता था वो ये है कि जो मेरा ये रिकॉर्डर है जूम का, ये मैं लूँ, इसके अंदर SD कार्ड आता है, इसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है, दो स्लॉट्स दिए हुए हैं इधर पे माइक्रोफोन के, तो मुझे दो डायनामिक माइक कैरी करने होते, उन दोनों माइक्स के स्टैंड, दोनों के केबल्स, तो जब तक फिक्स सेटअप है उसमें तो कोई इशू नहीं है, आराम से हो सकता है। लेकिन जहाँ पे भी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है तो ये सारी चीज़ें लेके अकेले ट्रैवल करना इज़ अ ह्यूज हेडेक। द फैक्ट दैट MV88 प्लस के थ्रू सिर्फ एक पोलर पैटर्न चेंज करके ये पूरा जो तामझाम है वो सब एक छोटे से डिवाइस में कैप्चर हो जाता है, एंड नॉट टू मेंशन कि इस पूरे सेटअप की प्राइस MV88 प्लस से काफ़ी ऊपर निकल जाती है। अपने मोबाइल में ही ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो विथ इफेक्ट्स, आप डायरेक्टली अपने मोबाइल पे ही एडिट करके अपना पॉडकास्ट पब्लिश कर सकते हो। दिस किट इन माय ओपिनियन इज योर गेटवे टू द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू प्रोड्यूस ऑडियो ऑन योर स्मार्टफोन। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है ज़रूर जाइए। सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी, रियली गुड साउंड एंड अल्ट्रा पोर्टेबल डिवाइस। आई होप इस वीडियो से आपको डिसीजन लेने में क्लैरिटी मिली होगी। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी। बी गुड, डू गुड, सेरेंडिपिटी विल फॉलो।